चलिए भाई साहब, सो लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, राइट। पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का, उसके बारे में डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे थे। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है, क्रक्स जो है, वो मैंने आपको सिंपली बताया। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा नोट्स में से देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ आपको बोली गई। तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, सबसे पहली बात ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 में आपका आया था। लेकिन इसके पहले अगर आप बात करेंगे तो जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था 1872 का, जो वैसे तो आज भी है, लेकिन पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चीज़ें जो हैं वो आपको कहाँ पे दी हुई थी, वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया हुआ था। लेकिन ध्यान से बोले, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि लॉ गवर्निंग द पार्टनरशिप इज नाउ एम्बॉडेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सी डेट से है? बोले 1 अक्टूबर 1932 से, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी अपन ने पढ़ा कि सर ये ऐसा नहीं है कि आपको इसे ही फॉलो करना है। काफ़ी सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको मिलेंगी कि आप बात कर रहे हैं पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लेकिन उसके बारे में कहीं पर डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बोले अपन जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होगा, उसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये हमने देख लिया था। फिर इसके बाद में पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है उसे भी हमने देख लिया था। और अब इसके बारे में, इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, दैट इज व्हाट, कि एसेंशियल ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब जब भी बोले दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पार्टनरशिप कहा जाएगा, उसके लिए कौन से पॉइंट्स का होना यहाँ पे क्या है जरूरी है। तो ध्यान से देखिए भाई साहब, सबसे पहला पॉइंट बोले देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन। सो बोले इसमें बताने वाली क्या बात है, ये तो बोले अपने को पहले से पता है सर। अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करते हैं तो क्या आप अपने आप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या पार्टनरशिप अपने आप के साथ में करी जा सकती है? बोले सर मुझे किसी और के साथ में काम करना पसंद नहीं होता, आई लाइक माई ओन कंपनी। ये सब बातें जो है वो मूवीज में अच्छी लगती हैं या फिर वो सीरियल वगैरह जो आपके रहते हैं उसमें अच्छी लगती है, बट नॉट इन टू द रियल लाइफ, राइट। तो ध्यान से क्या कहा गया है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। अब ये यहाँ पे वापस से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले जो जनरल प्रोविजन है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। बताइए क्या जो पर्सन रहेंगे, अगर वो माइनर रहा तो चलेगा क्या? आपका जवाब रहेगा नहीं सर। अगर वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ रहा तो चलेगा क्या? अगेन द आंसर इज नो सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर मान लीजिए सामने वाली जो पार्टी है वो अनसाउंड माइंड की रही तो वो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। क्या होना चाहिए सर? बोले जितनी भी पार्टीज आपकी होंगी, जितने भी पार्टनर्स आपके रहने वाले हैं, सारे के सारे कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। अगर कोई भी एक बंदा ऐसा होगा जो कि कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं होगा तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो क्या नहीं कहलाएगी, प्रॉपर नहीं कहलाएगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। लेकिन ध्यान से एक पॉइंट और, क्या बोले, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म गेट्स रिड्यूस टू 1, अगर एक हो जाए, राइट, तो ऐसे केस में क्या मान लिया जाएगा, आपकी जो फर्म बनाई गई थी, पार्टनरशिप फर्म जो बनाई गई थी, उसे डिसॉल्व मान लिया जाएगा। क्योंकि सर कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर्स का होना क्या रहेगा, जरूरी रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? लेकिन अब सवाल यह भी आता है कि सर अगर मिनिमम 2 होने चाहिए तो व्हाट इज द लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि शायद आपने 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन वगैरह में आज भी कहीं पे आप पढ़ते होंगे कि अगर बिजनेस वाला का, सॉरी बैंकिंग वाला अगर काम रहा तो बोले ऐसे केस में क्या होने चाहिए, 10 होने चाहिए। और अगर बोले अदर वाला कोई काम रहा तो ऐसे केस में क्या होने चाहिए, बोले 20 होने चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, अब ये वाली चीज को ना आप क्या करो, यहां से भूल जाओ, बहुत ध्यान से सुनिए। कहा गया है कि अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बात करूं, बोले कोई लिमिट नहीं दी गई सर, मैक्सिमम के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, साइलेंट है पूरा का पूरा। इवन अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखने की बात करूं तो वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि कितने लोगों के बीच में एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा सकता है, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के मैक्सिमम कितने पार्टीज हो सकते हैं, नहीं बोला गया ऐसा। लेकिन एक बोले आपका लॉ आता है जिसका नाम दिया गया है क्या, बोले कंपनीज एक्ट 2013। गॉट द पॉइंट भाई साहब? कौन सा एक्ट है? बोले कंपनीज एक्ट है 2013 का। इसमें बोले एक तो आपको दिया गया है सेक्शन नंबर 464। कौन सा सेक्शन दिया गया? सेक्शन नंबर 464। लेकिन साथ में ना आपको दिया गया है क्या, बोले रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स, जो कि कब के हैं, बोले 2014 के आपको दिए गए हैं, रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स, जो कि कब के हैं, 2014 के। इसमें क्या कहा गया सब, देखिए बात ऐसी है, वैसे तो बोले बेहतर होगा, होता है कि अगर आप कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो,
ठीक है, ये बोले सबके लिए बेहतर होता है, नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे बोले वो फिर हेरा फेरी में हुआ था, कोई तो भी लक्ष्मी चिटफंड आ जाएगी, बोले कि 25 दिन में पैसा डबल और पूरा पैसा लेके क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, गॉट द पॉइंट। लेकिन फिर भी ये कहा गया, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि रजिस्टर्ड वाला नहीं है, ठीक है, इसमें अगर 2 ही लोग होंगे ठीक है मत कर भाई रजिस्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें बोले 10 लोग होंगे चलो कोई बात नहीं, बोले आजकल लॉ इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर 10-15 लोग होंगे तो उनको ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बोले ऐसा करते करते आप 20 पे ले गए, 30 पे ले गए, 40 पे ले गए, 50 पे ले गए, 60 पे ले गए और हजारों पे ले गए, तो पता ये चलेगा जो आजकल वो स्कीम आती है क्या, बोले आपको एक ही बंदे को बनाना पड़ेगा, उसके बाद में 3 लोग जो रहेंगे वो बोले आप आगे बनाइए, और उसके बाद में वो 3 लोग और 3 लोग को बनाएंगे और आपके घर के सामने मर्सिडीज खड़ी होगी, गॉट द पॉइंट। ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है फ्रॉड वगैरह होने की। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो वो क्या कहता है, एज पर सेक्शन नंबर कौन सा बेटा, सेक्शन नंबर 464, ये कहता है कि सर ये ध्यान से सुनिएगा, अगर बोले मैं यहां पे बात करता हूं किसके बारे में, बोले सेक्शन नंबर 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फिर साथ में क्या बोलेंगे, बोले रीड विथ रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलिनियस रूल्स। कौन से वाले रूल्स हैं, मिसलिनियस वाले रूल्स हैं जो कि कब के हैं, बोले 2014 के। इसमें यह कहा गया है कि सर एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर गेन, गेन का मतलब क्या है बेटा, प्रॉफिट। बोले अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि किसके लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट को गेन करने के लिए काम कर रहा है, एंड एंड हैविंग मोर देन 50 मेंबर्स, कितने लोगों से ज्यादा है, 50 लोगों से, बोले अगर आपका ज्यादा होगा तो बोले ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त भी, या तो आप अपने आप को LLP बना लो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म बना लो, ठीक है, और या फिर बोले आप क्या कीजिए, आप बोले अपने आप को एक कंपनी में कन्वर्ट करवा लीजिए। ये समझ में आया क्या मेरे दोस्त, ऐसा ये दोनों में से कोई एक काम जो है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो एसोसिएशन होगा उसे क्या कहा जाएगा, इलीगल एसोसिएशन के नाम से जाना जाएगा, गॉट द पॉइंट। तो ये ध्यान से सुनिएगा यहां पे क्या कहते हैं सर, बोले अगर मैं मैक्सिमम नंबर्स के बारे में बात करूं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा पार्टनरशिप एक्ट जो है ये इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, कुछ भी नहीं कहता कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए बोले, ये आपको बोला गया, ठीक है। लेकिन हाउएवर सेक्शन नंबर 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेडी नहीं आएगा, ये रीड आएगा, वाई एक्साइटमेंट में आ गया, ठीक है। रीड विद द रूल्स मेड देयर अंडर, रूल्स का नाम जो है वो मैंने आपको बता दिया, ऑल्दो यहां पर रिलेवेंट नहीं है। स्टेट्स दैट द पार्टनर्स इन अ फर्म मस्ट नॉट एक्सीड 50, कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वैसा 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट होना जरूरी है भाई साहब, लेकिन ये ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं है कि लिखित वाला ही एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में हो, अगर ओरल वाला रहा तो भी चलेगा, ऑप्शनल है सर, करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, ध्यान से सुनिएगा। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप राइजेस फ्रॉम अ वैलिड एग्रीमेंट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू एक्ट एज अ पार्टनर, इट मस्ट बी वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से होना चाहिए। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कहा था कि कोअर्शन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, सेम ऐसे ही क्या ये सब चीजें यूज करके आप किसी से पार्टनरशिप करवा सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे 2 लोग आपस में मिलकर कोई काम करने की बात कर रहे हैं और प्रॉफिट को शेयर करने की बात कर रहे हैं, गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। द एग्रीमेंट मे बी, ये ध्यान से सुनिए, एग्रीमेंट क्या हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है। अब ये सारी चीजों के बारे में अपन ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टनर्स और फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सर एक्सप्रेस होने की बात अगर आप करेंगे तो ये बोले 2 टाइप का हो सकता है, एक तो बोले आपका ओरल वाला हो गया, मुंह जुबानी वाला जो होगा, जहां आपने सामने वाली पार्टी को क्या किया, फोन करके बोला कि मैं ऐसा ऐसा काम करने का सोच रहा हूं, क्या तू मेरे साथ में पार्टनरशिप करेगा,
उसने हाँ बोल दिया, बात खत्म हो गई। और या फिर दूसरा बोले, ये रिटर्न में भी हो सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में सब ले बिजनेस, कोई भी लॉफुल बिजनेस चलेगा। किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आप आपस में पार्टनरशिप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी फॉर्मड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस एंड बिजनेस अलोन। हाँ, ये ध्यान से सुनिएगा। क्या अगर दो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि चल यार अपने कोई प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, क्या प्रॉपर्टी को ओन करना पार्टनरशिप कहलाएगा क्या? नहीं सर। दो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया चल अपन अपनी जिंदगी को साथ में बिताते हैं, शादी कर लेते हैं, निब्बा और निब्बी ने डिसाइड किया कि चल बोले अपन आपस में शादी कर, क्या इसको पार्टनरशिप कहा जाएगा क्या? आंसर इज नो सर। पार्टनरशिप कैसे कहा जाएगा? जब आप कोई बिजनेस करने की बात कर रहे हैं जहां पे आपका इंटेंशन क्या है कि प्रॉफिट अर्न करेंगे, और वहां से जो प्रॉफिट आएगा उसको बोले आपस में अपन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। गॉट द पॉइंट? चलिए, वेयर देयर इज नो बिजनेस देयर एग्जिस्ट नो पार्टनरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर दो पार्टीज के बीच में कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनरशिप अगर आप कर रहे होंगे, तो क्या उसको पार्टनरशिप कहा जाएगा? आंसर इज नो। और बिजनेस कैसा हो सकता है? सर कुछ भी हो सकता है। ट्रेड करना, चीजों को मार्केट से खरीद के लेके आना, चीजों को मार्केट में ले जाके बेचना, ट्रेड करना, या फिर कोई और ऑक्यूपेशन हो सकता है। चल बोले अपन एनिमल हस्बेंड्री का काम साथ में मिलके करते हैं, चल अपने काम करते हैं, डेयरी जो है ना वो ओपन करते हैं, मिल्क डेयरी जो होती है वो ओपन करते हैं। और या फिर कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, चल बोले तू भी सीए, मैं भी सीए, सीए का काम करता है, तू भी सीएस, मैं भी सीएस, चल सीएस का काम करते हैं, तू भी सीए, मैं सीएस, चल एक काम करते हैं, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट वाला काम जो है वो कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। गॉट द पॉइंट? चलिए, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सर लॉस शेयर करने के लिए आपने एग्री किया या नहीं किया ये मैटर नहीं करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉफिट बोले जो भी हमारा अराइज होगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। क्या कहते हैं भाई साहब? शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस अमंग द पार्टनर्स इज मस्ट, बट शेयरिंग ऑफ लॉसेस बाय ऑल द पार्टनर्स इज नॉट असेंशियल। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास में पैसा नहीं है लेकिन आइडिया आपके पास में खतरनाक है। आप गए किसी पैसे वाले के पास में, एग्जाम्पल शायद आपने सीरीज देखा होगा स्कैम 1992। अगर नहीं देखा मेरे बात मेरे दोस्त, तो कॉमर्स के फील्ड में आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ गए। सही में अगर कॉमर्स को आपको समझना है, आई रिकमेंड यू पीपल कि स्कैम 1992 की जो सीरीज है ना उसे आपको देखना बहुत जरूरी, राइट? तो हुआ क्या कि क्या बोलेंगे इस चीज को, हाँ, हर्षद मेहता लॉस वगैरह हो जाने के बाद में जाता है एक बंदे के पास में, जाके कहता है हमारे साथ में मिलकर काम करो। वो कहता है कि मेरे को तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में क्या मिलेगा? तुम तो नौ सीखी हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, फलाना है ढिमका है, तुम्हारे पास में लगाने को कुछ है नहीं। बोले लगाने को मेरे पास में पैसा नहीं है लेकिन दिमाग जरूर है, बोले, और दिमाग से मैं ऐसा खेल कर सकता हूं कि आपको पैसे पे पैसे कमा के दे सकता हूं। सामने वाली पार्टी कहती है देख भाई साहब अगर प्रॉफिट आएगा तो मुझे दे देना, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है कि तू उसमें प्रॉफिट कमा भी पाएगा क्या। लॉस अगर हुआ तो पूरा तेरा रहेगा, प्रॉफिट अगर आया तो दोनों अपन क्या करेंगे? आधा आधा बांटेंगे। ऐसा भी एग्रीमेंट हो सकता है पार्टीज के बीच, राइट? ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट शेयर करेंगे ये एसेंशियल है, ऐसा होना ही चाहिए। अगर प्रॉफिट को शेयर नहीं किया जा रहा है तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, सर लॉसेस को शेयर करना एसेंशियल है क्या? आंसर इज नो सर। हो सकता है कि जो पार्टी है वो ये कह दे कि नहीं भाई साहब लॉस हुआ तो तेरा, प्रॉफिट हुआ तो दोनों का आधा आधा, और जो भी एग्रीड रेशियो रहेगा उसमें, ठीक है। दस इफ एनी पार्टनर डज नॉट गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ही इज नॉट अ पार्टनर। कॉमन सेंस की बात है, वो क्या नहीं कहलाएगा? पार्टनर नहीं कहलाएगा। हाउएवर द पार्टनर बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट मे एग्री दैट एनी वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट बी लाइबल फॉर द लॉसेस। ये चीज बोले हो सकती, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। ये इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको पहले भी बोला था सर, अगर पार्टनर है एक ए और दूसरा है बी, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलके बोले मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में काम कर रहे हैं। किसके साथ में? विथ आउटसाइडर्स से। क्या ये जरूरी होगा क्या कि हर बार मिस्टर ए और बी दोनों ही सामने वाले के साथ में डील करने के लिए जाएं? आंसर इज नो सर। मतलब ये भी हो सकता है कि एक जगह पे ए चला जाएगा तो दूसरी जगह पे बी चला जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जहां पे भी आप जा रहे हो आप अपनी फर्म को साथ में लेके जा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी आउटसाइडर के साथ में यहां पे डील कर रहे होंगे तो आप अपने आप को तो बाइंड कर ही रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप जब अपनी फर्म के बिहाफ पे जा रहे हो तो आप दूसरे पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप ओनर होने के साथ साथ दूसरे के एजेंट भी हो। गॉट द पॉइंट? ये ध्यान से, द पार्टनरशिप देर मस्ट बी अ रिलेशन ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। सेक्शन 4 स्टेट्स दैट द पार्टनरशिप मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम
हु इज एक्टिंग फॉर ऑल. देयरफॉर एवरी पार्टनर कैन कैरी ऑन बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड कैन बाय हिज एक्शंस बाइंड ऑल द अदर पार्टनर्स ऑल्सो ऑफ द फोर. इसका मतलब क्या हुआ सर, भले ही बी ने जाके किसी आउटसाइडर के साथ में मिला होगा, लेकिन कल को जाके जब लाइबिलिटी आएगी तो ए ये नहीं कह सकता कि क्या आपने मेरी शक्ल देखी थी, बोले नहीं. क्या आप मुझे जानते हो, बोले नहीं. तो मैं कैसे लायबल हो गया? अरे भैया चूंकि इन्होंने बताया था कि आप इस फर्म के क्या हैं, पार्टनर हैं, तो जो जो इस फर्म का पार्टनर होगा, मेरा तो बोले उस हर बंदे से पैसा लेना बनता है, फिर चाहे वो आप रहें और या फिर कोई भी और बंदा क्यों ना रहे. ये समझ में आ गया सर? बोले ठीक है सर, आ गया समझ में. चलिए लेट नेक्स्ट पॉइंट सर, लॉ ऑफ पार्टनरशिप. ये अपन बात कर चुके हैं कि हर एक पार्टनर जो है वो बोले एजेंट तो है, बट एजेंट होने के साथ साथ में क्या है, मालिक भी. खुद की बात करोगे तो मालिक है, लेकिन साथ में क्या कर रहे हो आप, दूसरों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दूसरों के बिहाफ पे आप क्या हो, यहाँ पे एजेंट हो. पढ़ लेते एक बार. द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप इज दैट द पार्टनर व्हेन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म आर द एजेंट्स एज वेल एज द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ओनर. आप फर्म के मालिक भी हो बोले, ठीक है. दस देर इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स विच इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ एजेंसी. दिस इज द रीजन वाई लॉ ऑफ पार्टनरशिप टर्म्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रांच ऑफ द लॉ ऑफ एजेंसी. मतलब अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि जो लॉ ऑफ एजेंसी है उसका एक्सटेंडेड ब्रांच जो है वो बोले कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप. क्यों? क्योंकि यहां पे भी एजेंसी जो है वो आती है आपकी. एवरी पार्टनर हैज डबल रोल टू प्ले इन अ फर्म. ही एम्ब्रेसेस द कैरेक्टर एंड द रोल ऑफ बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. ये मैं आपको बता चुका हूं, बस एक बार इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा. राइट, चलिए सर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या क्या बनते हैं ये ध्यान से देख लीजिए. इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन यहां पे जब बोले आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बोले पार्टनरशिप में क्या क्या चीज का होना जरूरी होगा. सबसे पहली बात, देयर शुड बी टू पर्संस या टू कॉम्पिटेंट पर्संस. कम से कम क्या होने चाहिए, दो कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए. दूसरी बात, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम 50 होने चाहिए, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 13, ये ध्यान रखिएगा. पार्टनरशिप एक्ट ये चीज के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, ये टोटली क्या है आपका, साइलेंट है, ठीक है. फिर इसके बाद में बोले बिजनेस का होना मस्ट है. बिजनेस इज मस्ट. फिर उसके बाद में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट. एसेंशियल. हाउएवर शेयरिंग ऑफ लॉस नॉट इंपॉर्टेंट. अगर लॉस शेयर नहीं भी करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बोले ठीक है भाई साहब. फिर इसके बाद में लेकिन अगला पॉइंट आपका क्या आता है, बिजनेस होना चाहिए. अगला पॉइंट आपका आता है कि आपका जो पार्टनर रहेगा, पार्टनर इन कैपेसिटी ऑफ दो चीजों की कैपेसिटी में रहेगा. सबसे पहली बात, ओनर भी होगा और एजेंट भी होगा. एजेंट क्यों होगा सर, बोले ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. Acting for all and binding himself and all other partners by his acts. जो भी वो कर रहा है उससे क्या कर रहा है, अपने आप को तो बाइंड कर ही रहा है, लेकिन साथ में वो दूसरों को भी बाइंड कर रहा है. अंडरस्टूड द पॉइंट? कोई और चीज है जो मैं यहां पे भूल गया? एग्रीमेंट होना चाहिए. हाँ, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट. ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है, अब एग्रीमेंट में ध्यान दीजिएगा. बोले एग्रीमेंट जो आपका रहेगा ये बोले दो टाइप का हो सकता है. सबसे पहला एक्सप्रेस वाला हो सकता है और दूसरा इम्प्लाइड हो सकता है. इम्प्लाइड का वाले के बारे में क्या कहा गया, इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज
और बाय सर्कमस्टेंसेस, या तो बोले हालातों के हिसाब से पार्टनर बन सकते हैं, और या तो फिर बोले भाई कंडक्ट ऑफ पार्टी से कैसे करेंगे अपन आगे चल के बात। ऑल दो अपने को ये अच्छे से पता है क्योंकि अपन ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पढ़ चुके हैं कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या रहता है, कंडक्ट क्या होता है, गॉट द पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, वी नो अबाउट दैट। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सप्रेस वाले की बात करेंगे तो सब बोले ये दो टाइप का हो सकता है, पहला ओरल, ओरल, और दूसरा हो सकता है रिटर्न। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनिएगा, आगे चल के अपन पढ़ने वाले हैं कि जो आपका पार्टनरशिप रिटर्न वाला रहेगा, रिटर्न वाला रहेगा, ठीक है, इसको बोले आप चाहो तो एक नाम दे सकते हो, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप डीड। गॉट द पॉइंट। लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, मतलब लिखित में अगर आपने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया होगा, तो ऐसे केस में आप चाहो तो उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। ठीक है, आपके हर एक स्टेट के अंदर देयर इज रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे तरीके से वेबसाइट वगैरह भी, लेकिन आप चाहो तो इसको रजिस्टर भी करवा सकते हैं, और चाहो तो आप बोलेंगे यार जान दे रजिस्टर करवाने की क्या जरूरत है, अपन नॉर्मली ऐसे ही कर लेते हैं, लिखित में ले लेते बोले आपस में, और आगे चल के अपन इसी के हिसाब से क्या करेंगे, काम जो है अपना करने वाले। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये सारी बातें जो है वो आपको क्या करनी, ध्यान में रखनी। बोले ठीक है सर। अब यहां पे ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब, सिविल टेस्ट क्या है, दो लोग हैं उनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, ये कैसे समझ में आएगा। गॉट द पॉइंट, ये कैसे समझ में आए, क्या चीज का होना जरूरी है। तो पढ़ चुके वैसे तो अपन ऑलरेडी, सबसे पहली बात बोले एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरी बात बिजनेस होना चाहिए, तीसरी बात प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट होना चाहिए, चौथी बात सर बोले काम जो है सारे के सारे करें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उनमें से कोई एक कर रहा होगा तो वो भी अच्छी बात है, और सर बोले देयर शुड बी व्हाट, म्यूचुअल एजेंसी काइंड ऑफ। भाई साहब ये वाली चीज जो क्या हो गई, रिपीट ही लगा लीजिए, लेकिन और अच्छी से क्लैरिटी जो है वो आपको आ जाएगी। अगर ये चारों चीजें प्रेजेंट होती हैं तो आप कह सकते हो कि सर दो पार्टीज के बीच में पार्टनरशिप था, और अगर नहीं होती है तो आप बोलोगे नहीं था सर, दो पार्टीज के बीच में किसी भी टाइप की कोई पार्टनरशिप थी नहीं, आप ऐसा बोलोगे सीधा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां पे आता है सेक्शन नंबर 6, ये क्या कहता है बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है भाई साहब, दैट फॉलोइंग केसेस वेयर देयर इज नो रियल रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन द ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब हो सकता है कि दो लोगों ने आपस में मिलके कुछ कर रहे हैं, बट क्या उसको पार्टनरशिप कहा जाएगा क्या, बोले शायद नहीं सर। सर क्यों ऐसा, क्योंकि हमने क्या कहा कि एक तो बोले एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा बिजनेस होना चाहिए, तीसरा प्रॉफिट को शेयर करने की बात होनी चाहिए, चौथा सारे के सारे कोई एक काम करता होना चाहिए, और पांचवा बोले सर म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर गायब रहेगा, क्या मैं कह सकता हूं कि दो पार्टीज के बीच में भले ही रिलेशन होंगे, भले ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट उसको पार्टनरशिप का नाम नहीं दिया जा सकता। सर कब होगा ऐसा, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। सर बोले सडनली मुझे एक न्यूज मिली कि देर इज समथिंग 5,000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, ठीक है, जो कि काइंड ऑफ प्राइम लोकेशन पे था, ठीक है, और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो प्राइस है दिस इज 3,000 रुपीज, कितना है 3,000 रुपीज, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 * 3 = 15 कितना हो गया, मेरा मैथ्स कमजोर है भाई साहब, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ हद से ज्यादा कमजोर मैथ्स है मेरा। पांच हजार इंटू 3,000, इट विल बी 4 रुपीज 1.5 CR, रे भगवान कितना, 1.5 करोड़ रुपए का, 1.5 CR, 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट जो है ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे बनता है, मेरे अकेले के लिए तो पॉसिबल नहीं है ये प्लॉट को लेना, क्या करे भाई साहब ऐसे केस में। जस्ट से ना, हाँ चलिए ये समझ में आया, बोले ठीक है, ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ द प्रॉपर्टी शेयरिंग द प्रॉफिट, ये क्या कहता है कि 1.5 करोड़ रुपए का अगर आपका प्लॉट है, मैंने कहा, मैंने एक बंदे से बात किया अपने सूरज सतीजा सर, मैंने कहा सर ऐसे ऐसी एक प्रॉपर्टी है प्राइम लोकेशन पे है, बट मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि अपन मतलब ये प्रॉपर्टी को ले सके, सूरज सर ने कहा मेरे पास भी नहीं इतने, तो क्या करें, तो हमने मसीहा जो हैं अभिजीत जायसवाल सर उनको हमने कॉन्टेक्ट किया है,
तो भैया प्रवीण चौधरी सर, सूरज सतीजा सर और अभिजीत जायसवाल सर, तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया, 1.5 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट किया, थोड़ा बहुत लोन वगैरह ले लिया, और ये जो लोकेशन की प्रॉपर्टी थी इस प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, अपन ने खरीद लिया। लेकिन एक बात बताइए, क्या इस प्रॉपर्टी कुछ काम कर रहे हो क्या आप? नहीं सर, काम हम कुछ नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी लेना था, वो प्रॉपर्टी हमने ले लिया। आगे चल के देखेंगे, हो सकता है कि शायद हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग बनाए और यहाँ पे कुछ काम करना स्टार्ट कर दें, वो बात की बात। जब वो हो जाएगा तो तीनों पार्टीज के बीच में आप कह सकते हो कि पार्टनरशिप है, लेकिन जब तक वो नहीं होगा क्या मैं इस चीज को पार्टनरशिप बोल सकता हूँ क्या? नहीं सर। अगर ओरली बोलना चाहते हो, जनरली बोलना चाहते हो, बोल लीजिए, लेकिन लॉ के हिसाब से सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? देखिए, वेयर द ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ द प्रॉपर्टी शेयर द प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, दे आर नॉट द पार्टनर्स इन द फर्म। अच्छा, ये भी हो सकता है, हमने एक प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया आज, कल जाके ये प्रॉपर्टी में क्या कर दिया, एक बिल्डिंग बनवा दी, ये बिल्डिंग से क्या आ रहे हैं, ये बिल्डिंग से आ रहा है रेंट, तो इसमें काम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये प्रॉपर्टी कर रही है। एक मिनट, आप चलिए फिर इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। सर 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 सर, ये ध्यान से बोले, जो आप यहां पे प्रॉफिट को शेयर करने की बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट आपका किससे आना चाहिए, ये प्रॉफिट बोले आपका बिजनेस से आना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जो प्रॉफिट को शेयर करने की बात कर रहे हो, वो नॉर्मली किसी को पैसा आपने उधार दिया तो उससे आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, या फिर जो रेंट वाली प्रॉपर्टी की बात मैंने करी वो प्रॉफिट आपके पास में आ रहा होगा, शेयर्स आपने किसी कंपनी के ज्वाइंटली परचेज कर लिए वहां से आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, तो क्या मैं उसको पार्टनरशिप बोल दूं क्या? नहीं सर। क्या उसमें आप कोई ट्रेड कर रहे हो क्या? नहीं सर। क्या आपने उस क्या आप उसमें कोई ऑक्यूपेशन या फिर कोई प्रोफेशन कर रहे हो क्या? नहीं सर। तो क्या उसको पार्टनरशिप कहा जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं सर। ध्यान से देखिए क्या कहता है, सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज अ प्राइमा फेसी टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप बट नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। ये भी ध्यान से सुनिए, बोले हो सकता है कि आपको प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन क्या वो पार्टनरशिप से आ रहा है क्या? अगर नहीं तो आप उस चीज को क्या नहीं कह पाओगे, पार्टनरशिप नहीं बोल पाओगे। ध्यान से देखिएगा, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर केसेस वेयर द शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द पार्टनरशिप। कब? सबसे पहला, मनी लेंडर शेयरिंग द प्रॉफिट, मतलब सर बोले ए और बी, या फिर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए, तो सूरज सर को और अभिजीत सर को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा कि देखो सर आपके साथ में पार्टनरशिप करना हमको बोले भरोसा नहीं, बोले आपके ऊपर, राइट? लेकिन हाँ, इतना कर सकते हैं कि अगर आपको जो पैसा कम लग रहा होगा ये पैसा बोले हम आपको उधार के तौर पे दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, राइट? तो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1 CR के आसपास सूरज सर ने उधार दे दिया और 50 लाख के आसपास अभिजीत सर ने उधार दे दिया, बाकी मैंने जमा लिया थोड़े बहुत जितने भी थे, राइट? चलिए सर, तो ध्यान से मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन लोगों को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो क्या ये कहा जाएगा कि इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप था? अगेन द आंसर इज नो सर। उन्होंने पैसा जो है वो उधार दिया था, लेकिन क्या पैसा उधार देना उनका बिजनेस है क्या? नहीं सर। उनका मेन काम जो है वो कुछ और है, और पैसा तो उन्होंने क्या किया, जस्ट ऐसे ही उधार के तौर पे दे दिया, राइट सर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सर्वेंट और एजेंट रिसीविंग द शेयर इन द प्रॉफिट। सर्वेंट या एजेंट को आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, सर हमारी एक फर्म है, नाम है AB एंड कंपनी। सब पार्टनरशिप फर्म के नाम के सामने पीछे कंपनी लगता है क्या? लगा सकते हो। अल्टीमेटली कंपनी है ना, जहां पे दो लोग जुड़ जाते हैं आपस में, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी। आपने सुना होगा, कैन यू गिव मी कंपनी टू हैव कॉफी, जब वहां पे कंपनी वर्ड यूज कर सकते हो तो यहां क्यों नहीं कर सकते? दो पार्टीज के बीच में पार्टनरशिप है तो ऐसे केस में आप उसको कंपनी नाम दे सकते हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा, सर यहां पे दो पार्टनर्स हैं जिसमें से एक का नाम है ए और दूसरे का नाम क्या है, बी, राइट? लेकिन आपके इस फर्म के अंदर कुल मिला के 10 एम्प्लॉयज भी हैं, गॉट द पॉइंट? और ये एम्प्लॉयज के साथ में मिलके आपने मार्केट में इतना अच्छा काम किया कि जहां प्रॉफिट आपको कमाना चाहिए था, महीने के 5-5 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो आप कमा रहे हैं। आपने सोचा कि हमारे इन एम्प्लॉयज की वजह से, इन एम्प्लॉयज ने जो सुबह शाम काम किया है उसकी वजह से प्रॉफिट आ पा रहा है, तो वुड यू डिसाइडेड इज कि 50,000 रुपए इसमें से क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को दे देते हैं,
गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर आप ये वाली चीज एम्प्लॉयज को पे कर रहे हो, प्रॉफिट में से हिस्सा अगर आप दे रहे हो, तो क्या ये कह दिया जाएगा कि ये जो एम्प्लॉयज है ये आपके फर्म के पार्टनर है? आंसर इज नो सर, दे आर ओनली एम्प्लॉयज, वो पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। क्या ऐसा माना जाएगा कि पार्टनरशिप 12 लोगों के बीच में है? नो सर, पार्टनरशिप दो ही लोगों के बीच में, ए और बी के बीच। जो प्रॉफिट कमाया गया है, पार्टनरशिप फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है 5 लाख रुपए का, वो बेसिकली ए और बी का ही है। लेकिन दोनों ने क्या डिसाइड किया, बोले 25,000 का प्रॉफिट मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, 25,000 का प्रॉफिट मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, और ये एम्प्लॉयज को भी देते हैं। दिस कैन बी कॉल्ड एज अ बोनस। लेकिन क्या आप इसकी वजह से जो वो एम्प्लॉयज उनको पार्टनर्स बोल देंगे क्या? नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ये बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब। क्या सर, बोले कैसा था कि एक बंदा था ए, दूसरा बंदा था बी, दोनों ने मिलकर एक फर्म चालू करी जिसका नाम क्या दिया, ए बी एंड कंपनी, राइट। लेकिन सर कोरोना की मार पड़ी जिसकी वजह से ए नाम का जो बंदा था उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ऑल दो दोनों के दोनों काफी डेडिकेटेड थे फर्म के टूवर्ड्स, और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बोले फर्म में आया करता था, तकरीबन लगा लीजिए कितना, बोले 5 लाख रुपया। बट साथ ही साथ में अगर मैं यहां पे थोड़ा सा और डीप में जाऊं, तो बोले ए नाम का जो बंदा है उसकी एक वाइफ भी थी और एक बेटा भी था और एक डॉटर भी थी। गॉट द पॉइंट? और ए के लिए जो अर्निंग आती थी वो यहीं से आया करती थी। बी ने कहा कि भाभी जी मैं बोले सारी बात को समझता हूं, हर चीज को समझता हूं, डोंट वरी एट ऑल, हमारी जो ये फर्म है ये बोले काम करेगी। लेकिन ध्यान से यहां पे ये भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है सी भी यहां पे था, हो सकता है डी भी यहां पे पार्टनर था। बोले हमारी जो ये फर्म है ये काम करेगी, और इस फर्म से जो भी प्रॉफिट आएगा हम तीनों चारों लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इसमें से 50,000 रुपए जो है वो हम आप लोगों को देंगे। बट एक बात बताओ, क्या इसका मतलब ये है कि ये जो बाकी फर्म से उसमें इनकी जो वाइफ है ये पार्टनर है? आंसर इज नो सर। अगर एक्सप्रेसली उन्होंने एग्री किया होगा कि मेरे पति के मरने के बाद मैं आपकी फर्म में पार्टनर बनने को तैयार, अगर ये बाकी तीन लोगों ने एग्री किया होगा कि हाँ हम आपको हमारी फर्म में पार्टनर बनाने को तैयार हैं, तो अलग बात हो गई, वो एक्सप्रेसली आपने एग्री कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या पार्टनरशिप कही जाएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं बोला जाएगा, राइट। तो क्या कहता है वैसा सर, बोले अ विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज्ड पार्टनर रिसीविंग अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट एज एनवीटी। सर ध्यान से, यहां पे क्या मिल रहा था? बोनस मिल रहा था। यहां पे क्या मिल रहा था? इंटरेस्ट मिल रहा था। और यहां पे क्या मिल रहा है सर? यहां पे एक एनवीटी, मतलब एक काइंड ऑफ खर्चा आप लगा लीजिए, वो बोले यहां पे दिया जा रहा है। से क्या मैं प्रॉफिट शेयरिंग बोल दूं क्या? नहीं सर, प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है वो हमने क्या कर दिया, वो हमने इन लोगों के नाम कर दिया, ये हमारा डिसीजन है। बट क्या इसकी वजह से वो पार्टनर बन गए? बिल्कुल भी नहीं सर। ऐसा भी होता है कि लोग प्रॉफिट कमाते हैं और उनमें से बहुत सारा पैसा जो है दान के तौर पे देते हैं, मंदिरों में जाके दान चढ़ा के आ जाते हैं, तो क्या मंदिर जो है वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गया क्या? कैसा बोलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है, सेलर ऑफ गुडविल। ये बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब। क्या सर, बोले एक ना मिठाई की दुकान है, नाम है नंदू लाल मिठाई वाला, गॉट द पॉइंट। और उसी लोकेलिटी में एक और दुकान है जिसका नाम है चंदू लाल मिठाई वाला, गॉट द पॉइंट। दोनों के बीच में कट्टर वाला कंपटीशन है, बहुत ही खतरनाक वाला कंपटीशन है। चंदूलाल ने बहुत बार नंदूलाल को क्या किया है, ऑफर दिया, बोले एक काम करते हैं अपन पार्टनरशिप कर लेते हैं, और तेरी दुकान का नाम भी हो जाएगा चंदूलाल नंदूलाल मिठाई वाला, और मेरी दुकान का भी नाम हो जाएगा चंदूलाल नंदूलाल मिठाई वाला, राइट। इससे क्या होगा कि दोनों के पास में प्रॉफिट आएगा, अपन उसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। और इसके पहले कुछ क्लैरिटी नहीं है कि तेरे पास में ज्यादा आ रहा है कस्टमर कि मेरे पास में ज्यादा कस्टमर आ रहा है, या फिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। नंदूलाल ने मना कर दिया, उसने कहा पहले तेरा नाम क्यों आएगा, पहले मेरा नाम आना चाहिए, पहले तेरा नाम क्यों आया, पहले मेरा नाम आना चाहिए, उसके बाद तेरा आ जाए। दोनों की ये बात पे डिस्प्यूट हो गया, नहीं किया लोगों ने पार्टनरशिप। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, बेचारे नंदूलाल को ना पैसे की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसको ये पता था कि ये पैसा कौन दे सकता है, चंदूलाल दे सकता है। गया चंदूलाल के पास में, तो चंदूलाल ने कहा कि मैं तेरे को पैसा तो दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। बोले क्या? कि तू अपने बिजनेस का गुडविल जो है ये बोले तुम मुझे बेच दे। क्या बेच दे? तेरे बिजनेस का गुडविल जो है, या तेरा बिजनेस जो है वो मुझे बेच दे, या फिर एक काम कर, बिजनेस मत बेच, सिर्फ नाम मुझे दे दे। आज के बाद में अगर तू अपनी मिठाई बेचना चाहता है तो एक काम कर, नंदू मिठाई वाले के नाम से बेच ले।
ठीक है, और जो तू अपना नाम मुझे देगा ना, जिसका नाम ऑलरेडी बन चुका है मार्केट के अंदर, बोले एक काम कर, इस नाम के बदले में मैं तेरे को 50 लाख रुपए जो है वो देने को तैयार हूं। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज को सिंपली कह सकता हूं कि भाई साहब ये तो सेल किया जा रहा है और जो चीज को बेचा जा रहा है उसको पार्टनरशिप कैसे बोल देंगे भाई साहब? माना कि नंदूलाल का नाम जो होगा वो दूसरे मिठाई वाला यूज कर रहा है, लेकिन उसने परचेज किया उसके बाद में उसको यूज कर रहा है। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है बेटा नाम, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, गुडविल का मतलब होता है ब्रांड इमेज। गॉट द पॉइंट? अगर पैसे देके वो चीज को खरीद लिया गया होगा, खरीद लिया गया होगा, तो आप इसको पार्टनरशिप कैसे बोल देंगे? बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो ये ध्यान से भाई साहब, इफ अ प्रीवियस ओनर और द पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस, सच ओनर इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म। ऐसे ओनर को आप क्या नहीं कहोगे? पार्टनर का नाम नहीं दोगे। बेचा है ना भाई साहब, सेल हुआ है, तो जो बेच दिया गया है उसको पार्टनर कैसे बोल दिया जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये समझ में आए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इन एडिशन टू द अबव पर्सन द फॉलोइंग पर्सन आर ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज पार्टनर ऑल दो दे शेयर द प्रॉफिट। कौन? पहला, मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF का मेंबर। सर ध्यान से देखिएगा, सर हु कैरी ऑन द बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट अमंग देम आर नॉट द पार्टनर्स। वाई? सर HUF के अंदर पूरी की पूरी लाइबिलिटी जो होती है ये रहती है एक बंदे की, जिसका नाम क्या होता है? कर्ता। सर ये कर्ता कौन होता है? कर्ता बोले लगा लीजिए आप सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट? जब लाइबिलिटी पूरी उस अकेले की होगी तो बाकी जो मेंबर्स होंगे वो इसके पार्टनर्स कैसे हो गए? अगर ये ध्यान से सुनिएगा, अगर पार्टनर्स होंगे तो जो लाइबिलिटी रहेगी ऑलमोस्ट वो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अनलेस अदरवाइज एग्रीड। लेकिन अगर मैं HUF की बात करूं तो जो आपके HUF के बाकी मेंबर्स हैं, जो कि माना कि आपके HUF में काम कर रहे हैं, बट क्या उनको पार्टनर्स कहा जाएगा क्या? नहीं सर, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनर्स, ऑल दो उनको बोले आप बोलने के लिए को पार्सनर्स बोल सकते हैं। गॉट द पॉइंट? लेकिन दे आर नॉट कॉल्ड एज व्हाट? पार्टनर्स, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस ऑफ द बुद्धिस्ट कपल, काइंड ऑफ HUF लगा लीजिए आप, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं? अ बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ इट, देम आर नॉट द पार्टनर्स। अगर हिंदुओं में हस्बैंड और वाइफ आपस में पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मा में रहने वाले जो कौन है? बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, ठीक है, ब्रह्मीज बुद्धिस्ट लोग जो रहेंगे वो बोले क्या करते हैं? अगर हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है, ठीक है, तो उनके बीच में भी अगर क्या होगा, कोई पार्टनरशिप होगा और भले ही वो प्रॉफिट उससे शेयर कर रहे होंगे तो भी वो आपस में क्या नहीं कहलाएंगे? पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है भाई साहब। अब यही चीज को अपन चाहें तो वापस एक चार्ट जो सिंपली यहां पे बना सकते हैं। टॉपिक क्या रहेगा आपका? हु विल नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनर्स। हु विल नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनर्स। इसमें सबसे पहली बात क्या था? पहला, जस्ट होल्डिंग प्रॉपर्टी जॉइंटली। दूसरा, जस्ट गेटिंग अ शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है, शेयर इन द प्रॉफिट। लेकिन इसमें तीन बातें एज को ओनर, ठीक है, दूसरा एज सर्वेंट, तीसरा एज विडो और चाइल्ड ऑफ पार्टनर। ये समझ में आया? ये वाली चीज हो गई। फिर इसके बाद में अगला सील ऑफ गुडविल
हाँ शेयरिंग प्रॉफिट ये भी इसी में आ जाएगा भाई साहब, सॉरी ये भी आपका इसी में ही आएगा ये वाले पॉइंट में। गेटिंग शेयर इन प्रॉफिट फॉर सेल ऑफ गुडविल, ठीक है सर। ये भी हो सकता है कि नंदलाल को क्या कहा गया, बोले तुमको एक काम करेंगे अपन, सबसे पहली बात अगर तुम अपना गुडविल बेचते हो तो बोले मैं तुमको 50 लाख की जगह 10 लाख रुपए कैश दूंगा, फिर उसके बाद में जितना भी बोले मेरे पास में प्रॉफिट आ रहा होगा उसमें से 15% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो बोले मैं तुमको देते रहूंगा, 15% ऑफ प्रॉफिट जो है वो बोले तुमको देता रहूंगा, कब तक, जब तक तुम जिंदा हो तब तक बोले, राइट। तो अगर ऐसा एग्री किया गया होगा तो क्या ये कहा जाएगा कि वो पार्टनर है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मेन जो डिसीजन वगैरह है वो ये नहीं ले पाएगा, वो मेन वही बंदा लेने वाला है, और जो प्रॉफिट आएगा जितना भी आए, कम आए या ज्यादा आए, वो सबका सब आपको 15% जो है वो पे कर दिया जाएगा। ये समझ में आया भाई साहब? दैट्स इट। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, ये वाली चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, पहला तो ये, और दूसरा आपका ये वाला पार्ट। इसमें सबसे पहले मैं ऊपर वाला जो पार्ट है इसको जूम कर देता हूँ, इसका आप फोटो ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं एज ए केस में भी। फिर उसके बाद में पार्टनरशिप के ये 3 पॉइंट, पार्टनरशिप के 3 पॉइंट, फिर उसके बाद में ये 2 पॉइंट्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाला, और फिर उसके बाद में एग्रीमेंट वाला, ये लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये इनका फोटो जो है वो आप सिंपली यहाँ पे ले लीजिए। फिर इसके बाद में रुकते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे किया जाता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट।